बेईमान रतन पटेल और अनीता और अजय के सोना देने वाली जादुई पेड़ की कहानी। एक गांव में एक ब्रजमोहन नाम का व्यापारी रहा करता। व्यापार में नुकसान के दौरान वह कुछ पैसा उधार लेने के लिए रतन पटेल के पास पहुंचता है। उसी वक्त रतन पटेल ब्रजमोहन के भोलेपन का फायदा उठाते हुए उसकी सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा लेता है और कुछ दिनों के बाद ब्रजमोहन की बीमारी के दौरान मृत्यु हो जाती है। ब्रजमोहन का एक अजय नाम का बेटा और अनीता नाम की बहू थी, जो ब्रजमोहन के मरने के बाद उस संपत्ति के वारिस थे। अनीता, आज हमारे पिताजी को गए हुए पूरा एक महीना हो गया। उनके बिना ये घर कितना सूना सूना लगता है। पिताजी अपनी पूरी संपत्ति और अपनी सारी जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़कर यूं चले गए। अब मैं इन जिम्मेदारियों को भला कैसे निभाऊंगा। तभी वहां रतन पटेल आता है। अरे अजय बेटा, कैसे हो? मैं तीर्थ यात्रा करने काशी गया हुआ था, लौटा तो पता चला कि ब्रजमोहन भैया अब हमारे बीच में नहीं रहे। सुनकर बहुत ही दुख हुआ। बेटा अजय, कुछ दिनों पहले तुम्हारे पिताजी ने अपने धंधे के लिए 25 लाख रुपए मुझसे उधार लिए थे और अपना खेत और मकान मेरे पास गिरवी रख दिया था। वह भी इस शर्त पर कि अगर वह एक महीने में अपना पैसा नहीं चुका पाएंगे तो वह संपत्ति मेरी हो जाएगी। लेकिन चाचा जी, पिताजी ने तो कभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, न ही लेन देन के विषय में और न ही अपनी संपत्ति गिरवी रखने के विषय में। अजय, मुझे तुम्हें बताने में बहुत दुख हो रहा है कि यह संपत्ति अब तुम्हारी नहीं रही। इसे जल्द से जल्द खाली कर दो। ये रहे इस हवेली के कागज, जो कि अब मेरे नाम है। अब इस हवेली का मालिक मैं हूँ। कल सुबह तक इस हवेली को खाली कर दो, वरना मेरे आदमी तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे। इस तरह रतन पटेल ब्रजमोहन की संपत्ति को हड़प कर अजय और अनीता को बेघर कर देता है और अजय और अनीता पूरी तरह से बेसहारा और लाचार हो जाते हैं। हमारा सब कुछ हमारे हाथों से चला गया, अब हम क्या करेंगे? अनीता, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। यहाँ से 5 कोस दूर जंगल के पास हमारी एक छोटी सी जमीन है, हम वहीं चलते हैं। वहीं एक छोटा सा घर बनाएंगे और वहीं रहकर कुछ करेंगे। भगवान पर भरोसा रखो, हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। भगवान भी हमारे साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देगा। अनीता और अजय अपनी जमीन पर पहुंचकर एक छोटा सा घर बनाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। घर में राशन खत्म हो गया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। 2 दिनों के बाद दीपावली आ रही है। हम अपनी हवेली में माता महालक्ष्मी की पूजा कितने धूमधाम से किया करते थे, इस वर्ष हम उनकी पूजा भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अनीता, तुम भगवान पर भरोसा रखो, वह कुछ ना कुछ रास्ता हमें जरूर दिखाएगा। हमारे इरादे नेक हैं, तुम चिंता मत करो। मैं काम की तलाश में बगल वाले गांव जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। अनीता और अजय परीक्षा की घड़ी में भी भगवान के प्रति अपनी सच्ची आस्था और विश्वास को लेकर आगे बढ़ते हैं कि एक दिन अचानक उनके घर एक साधु बाबा भिक्षा मांगते हुए उनके घर आते हैं। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। प्रणाम साधु बाबा। बेटा, हम बहुत दूर से आ रहे हैं, हमें बहुत भूख लगी है, हम तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन करना चाहते हैं। जी साधु बाबा, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। अनीता सोचती है कि मैं साधु बाबा को क्या खिलाऊं, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। वहीं साधु बाबा भी
अनीता की वास्तविक स्थिति को जान लेते हैं और वह भी अनीता की परीक्षा ले रहे होते हैं। अनीता झट से अंदर जाकर रात के रखे हुए चावल में दूध डालकर खीर बना देती है और साधु बाबा को लाकर देती है। बेटा, खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। हम तुम्हारे सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमने इस साधु को भोजन करवाया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। यह लो, यह एक मायावी पौधा है, इसे अपने आंगन में लगा देना। यह तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर देगा। अब हमारे जाने का समय हो गया है, तो हम चलते हैं। सदा सौभाग्यवती भव। अनीता खुशी खुशी उस पौधे को अपने आंगन में लगा देती है और शाम को अपने पति को सारी बातें बताती है। तुमने साधु बाबा को भोजन करवाकर बहुत अच्छा काम किया। जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, मगर साधु संतों का आशीर्वाद हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। दूसरे दिन जब अजय और अनीता बाहर आकर देखते हैं, तो वह पौधा पेड़ बन जाता है। अनीता, यह एक ही रात में पौधा पेड़ कैसे बन गया? यह तो चमत्कार है। साधु बाबा ने कहा था कि यह कोई मामूली पौधा नहीं, जादुई चमत्कारिक पौधा है, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। कि तभी पेड़ से कुछ पत्तियां जमीन पर गिरती है। अनीता, यह देखो, यह तो सोने की पत्तियां हैं। यह तो चमत्कार हो गया। मैंने कहा था ना कि भगवान पर भरोसा रखो, वह कुछ ना कुछ रास्ता हमें जरूर दिखाएंगे। धन्यवाद साधु बाबा। लगता है साधु बाबा के रूप में साक्षात घर में भगवान आए थे, जो हमारी पूरी गरीबी दूर कर गए। अजय उन सोने की पत्तियों को बेचकर बहुत सारा धन लेकर आता है और अपनी पत्नी से आकर कहता है, कल दीपावली है अनीता, हम हमेशा की तरह महालक्ष्मी की पूजा धूमधाम से करेंगे। और दूसरे दिन अजय और अनीता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और ढेरों फटाके जलाकर दीपावली का त्योहार मनाते हैं। अनीता, मैं तुमसे अक्सर कहता था ना कि भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, आज सब कुछ ठीक हो गया। जादुई सीताफल का पेड़ व आलसी और कामचोर सोहन और चतुर व्यापारी संतोष की कहानी। एक गांव में सोहन और मंजू नाम के पति पत्नी रहा करते। मंजू का पति सोहन बहुत ही आलसी और कामचोर किस्म का व्यक्ति था। वह अक्सर घर पर ही रहता और कोई काम नहीं करता। अरे, तुम दिन भर यूं ही आराम ही करते रहोगे या कोई काम धंधा भी करोगे, या दिन भर खाना और सोना ही करते रहोगे? अरे मंजू, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हम मर थोड़ी ना जाएंगे। पिताजी इतना सब कुछ छोड़कर गए हैं हमारे लिए, भला मुझे काम करने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो ऐसी बात है, तो मैं भी आज कोई काम नहीं करती। मैं भी आज खाना नहीं बनाऊंगी। अगर हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। अरे मंजू, तुम भी बात बात पे बिगड़ जाती हो। कल से मैं जरूर काम पर जाऊंगा, तुम नाराज मत हो। आप रोज यही बोलकर मुझे चुप करा देते हो। कितने साल हो गए हमारी शादी को, तब से अब तक आप घर पर ही हो। रोज रोज घर गृहस्थी के सामानों में कितना पैसा खर्च होता है पता है आपको? दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और आपकी कमाई एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा सब कुछ बिक जाएगा और हम कंगाल हो जाएंगे। अरे मंजू, बस करो, मैं तुम्हारी रोज रोज एक ही बातें सुनकर थक चुका हूँ। तो मैं कौन सी गलत बात बोलती हूँ? जो सही है वो सही है। मेरी तो किस्मत ही खराब थी,
जो तुम्हारे जैसे आलसी आदमी से मेरे माता पिता ने शादी करा दी। हाँ बाबा, ठीक है, अब जाओ और अपना काम करो। हाँ हाँ, मैं तो अपना सारा काम समय पे करती हूँ, बस आप ही हो जो कुछ नहीं करते। सोहन और मंजू इसी तरह बात बात पर लड़ते रहते और सोहन मंजू की बातों को इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता और आलसी की तरह दिन भर घर पर ही आराम करता रहता। वहीं दूसरी ओर पड़ोस में संतोष और सुनीता नाम के पति पत्नी भी रहा करते। संतोष का गांव में फल और सब्जी का व्यापार था। पूरे गांव में फल और सब्जी की केवल एक ही दुकान थी, इसीलिए संतोष की दुकान खूब चलती। अरे भैया, तुम्हारी दुकान में सीताफल मिलेंगे क्या? नहीं भैया, अभी तो नहीं है, सीताफल का मौसम अभी अभी आया है। मैं कल से अपनी दुकान में सीताफल जरूर रखूंगा। आगे से आपको मेरी दुकान पे सीताफल जरूर मिलेंगे भैया। संतोष का सब्जी और फलों का व्यापार खूब अच्छा चलता और दोनों ही पति पत्नी बहुत ही प्रेम से रहा करते। अजी सुनते हो, सीताफल का मौसम आ गया है, मेरा सीताफल खाने का बहुत मन है। कल आते आते मेरे लिए आप सीताफल लेकर आना। हाँ सुनीता, मैं जरूर लेकर आऊंगा। आज एक ग्राहक भी दुकान में सीताफल मांग रहा था, मगर अभी तो मंडी में भी सीताफल नहीं मिल रहा है और तुम भी सीताफल मांग रही हो, अब मैं सीताफल कहाँ से लाऊं? अरे वो पड़ोस में सोहन भैया रहते हैं ना, उनके खेत के पीछे वाली बाड़ी में सीताफल का झाड़ लगा है, वहाँ जाकर देखना, शायद उसमें फल आए हो। ठीक है, मैं कल दुकान से लौटते समय देखते हुए आऊंगा। दूसरे ही दिन संतोष सोहन की बाड़ी से सुनीता को सीताफल तोड़कर लाकर देता है। सुनीता ये लो सीताफल, अभी तो पूरे फलों की मंडी में भी सीताफल नहीं मिल रहे, लेकिन तुमने कहा था ना कि सोहन भैया की बाड़ी में फल लगे होंगे, ये लो मैं वहीं से फल तोड़कर लाया हूँ। आप बहुत अच्छे हो, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। सुनीता सीताफल को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे खाने के लिए जैसे ही तोड़ती है तो सीताफल के अंदर से एक चमकता हुआ हीरा निकलता है। अरे ये देखो, सीताफल के अंदर हीरा निकला। अरे हाँ, मगर ये कैसे हो सकता है? ये सीताफल तो मैं सोहन की बाड़ी से अपने हाथों से तोड़कर लाया हूँ। इस बात का पता लगाने के लिए मैं सोहन की बाड़ी से और सीताफल तोड़कर लेकर आता हूँ। संतोष तुरंत जाकर सोहन की बाड़ी से कुछ और फल तोड़कर लाता है और घर आकर अपनी पत्नी सुनीता को देता है। सुनीता उन फलों को जैसे ही तोड़ती है, उन सभी फलों के अंदर चमकते हुए हीरे निकलते हैं। सुनीता इतने सारे हीरे, हम तो अब अमीर हो गए, अब हमारे पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा। आप मेरे लिए भी ढेर सारे जेवर बनवा दोगे ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कल मैं सबसे पहले सोहन के घर जाऊंगा। दूसरे ही दिन संतोष सोहन के घर पहुंचता है। अरे कैसे हो सोहन भाई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर संतोष भाई आज यहाँ आना कैसे हुआ? सोहन भाई आपको तो पता है मेरा फल और सब्जी का धंधा है, और अभी अभी सीताफल का मौसम आया है और मंडी में सीताफल मिल ही नहीं रहे, और ग्राहक मेरी दुकान में आकर रोज सीताफल मांग रहे हैं। मैं सोच रहा था कि आपके खेत वाली बाड़ी में सीताफल का झाड़ लगा हुआ है, आप तो कभी वहाँ जाते नहीं हो और वहाँ सीताफल लगे लगे खराब हो जाते हैं, आप कहो तो मैं उन सीताफलों को तोड़कर मार्केट में भेज देता हूँ, उससे जो भी मुनाफा होगा आधा आप रख लेना, आधा मैं रख लूंगा। हाँ हाँ संतोष भाई, क्यों नहीं, मुझे मंजूर है। सोहन मन में सोचता है कि जब घर में ही बैठे बैठे मुनाफा हो रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। संतोष सोहन की बाड़ी से सीताफल तोड़कर लाता और उनके अंदर से हीरे निकालकर बेच देता
और कुछ रुपए ले जाकर सोहन को दे देता और सोहन उन थोड़े से रुपए को पाकर खुश हो जाता। एक दिन संतोष की पत्नी सोहन के घर के सामने से गुजरती है। अरे ये सुनीता के तो चाल ढाल ही बदल गए, रोज रोज नए कपड़े, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास? जरूर कुछ बात है, मैं पता लगा कर रहूंगी। दूसरे दिन जब संतोष और सुनीता सीताफल के अंदर से हीरे निकाल रहे होते हैं, तभी वहाँ मंजू और सोहन चुपचाप खड़े होकर देख रहे होते हैं। अच्छा तो ऐसी बात है, देखो ये तो हमारी बाड़ी के सीताफल है। हाँ मंजू, ये हमारी बाड़ी के ही सीताफल हैं। ये लोग हमारे ही सीताफल के झाड़ से इतने अमीर हुए हैं, और मैं अपने आलसीपन की वजह से अपना ही नुकसान कराता रहा। मेरी माँ अक्सर कहा करती थी, मेरे जाने के बाद उस सीताफल के झाड़ का खूब ध्यान रखना, मगर मैंने अपने आलसीपन के कारण कभी उस पेड़ पर ध्यान ही नहीं दिया। मंजू तुम ठीक कहती थी, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि आलस्य मनुष्य का वाकई में दुश्मन है, जो उसे भविष्य में मिलने वाले फायदों से वंचित कर देता है। आप आगे भी इसी तरह की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।